हाय एवरीवन, आज के इस नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है सर। आज सर हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हुए जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट कैसे बना है साइको के लिए। साइको के लिए विजन सर्टिफिकेट यदि नहीं रहेगा तो उस टाइम हमको एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर विजन सर्टिफिकेट का जो इसका जो फॉर्मा है वो कहाँ से डाउनलोड करे। सर विजन सर्टिफिकेट में कितना मतलब किस डॉक्टर से करवाना है, या तो मतलब प्राइवेट डॉक्टर से करवा सकते हैं या सरकारी डॉक्टर से करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है। सर मैं उन सवालों का जवाब लेके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहे, इस वीडियो पे बने रहे, ताकि इस जो भी यहाँ पे जो भी क्लियर आपका होगा क्वेश्चन का आप पूरा तरह से समझ पाइएगा। चैनल पर नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट हम हर दिन एक नया वीडियो के साथ लाते रहते हैं। चलिए सर अब यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन कि साइको टेस्ट कब होगा। सर अभी जो टेंटेटिव डेट आया हुआ है जो 30 जुलाई का जो आया हुआ है उसी के अनुसार से आपको मान के चलना होगा, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो आया है बिना रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार से हम लोग हवाबाजी में नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे कर रहे जो की जुलाई में एग्जाम होने वाला है। एक भाई ने कमेंट किया था सर कि अभी जुलाई से सितंबर होते सितंबर से अगस्त होगा, तो सर हम लोग घर का खेती नहीं कि हम लोग जो भी डेट पे आएगा मतलब कि हम अपने से करवा देंगे। जो रेलवे के द्वारा जो यहाँ पे जो भी नोटिस आता है तो वहां पे जो वो नोटिस आया आपका 30 जुलाई का टेंटेटिव डेट आया हुआ है साइको के लिए, तो हम वही डेट आपके सामने हम बता रहे हैं। अब दूसरा बात करते हैं सर विजन सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए। तो जो भी आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ सर नीचे जाइएगा, नीचे पे आपको मिल जाएगा, वहां पे एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा। आपको वहां पे फोटो भी लगेगा, सिग्नेचर भी लगेगा। आपको एक चीज जरूर काम कीजिएगा सर कि यदि आप प्राइवेट, क्योंकि इससे पहले जो एएलपी वाले लोग जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट विजन सर्टिफिकेट जो बनवाए थे वो कोई प्राइवेट डॉक्टर से भी बनवा लिए थे, कोई सरकारी डॉक्टर से बनवा लिए थे, लेकिन दोनों का दोनों ही काम आ गया था। लेकिन यदि आपके यदि पास यदि कोई ऐसा डॉक्टर की जानकारी में है कि सरकारी डॉक्टर की जानकारी में है तो आप उन सरकारी डॉक्टर से बनवाइए, क्योंकि वहां पे एक थंब लगता है सर उनका। और प्लस दूसरी बात क्या है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका डॉक्टर जो वहां पे बनाएगा, ठीक है, विजन सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही जरूरी होता है सर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक नहीं नीचे दीजिएगा तब तक वो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर आपका साइको या आपका विजन सर्टिफिकेट बनाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। फोटो 1 मंथ का उसमें लिखा हुआ है कि 1 मंथ का मतलब की फोटो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था सर कि जो विजन सर्टिफिकेट कितने मंथ के लिए ये आपका लागू होगा। तो सर आप 1 मंथ तक, जैसे फोटो में उसमें डायरेक्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो फोटो है आपका रिसेंट होना चाहिए, मतलब 1 मंथ का होना चाहिए, तो उसी के अनुसार से देखा जाए तो सर आपका विजन सर्टिफिकेट भी आपका 1 मंथ के अंदर वाला होना चाहिए। सर यहाँ पे और चीज यहाँ पे बात करें सर टाइपिंग के रिगार्डिंग पे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था वो मैं यहाँ पे लिख के ले आया हूँ, फोटो प्लस डेट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था सर कि सर फोटो पे डेट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो फोटो चिपकाने के लिए आया हुआ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसमें जो फोटो पे डेट हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर आप यदि रिसेंटली यदि आप यहाँ पे फोटो यदि क्लिक करवाते तो फोटो में आप डेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड ये थर्ड क्वेश्चन था सर, चौथा क्वेश्चन सर की मोहर रजिस्ट्रेशन। सर आपका जो अभी बताया कि जो रजिस्ट्रेशन आपका नेसेसरी है और मोहर जो डॉक्टर आपका जो स्पेशलिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट है उसका मोहर होना अनिवार्य है सर, क्योंकि उसके बिना आपका यहाँ पे कैसे आप प्रूव कर पाए कि वो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया सर कि आपका आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और सारे लोगों का कुछ भी ऐसा यदि कमेंट, टाइपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सर टाइपिंग हमारा मतलब कि कब होगा। तो सर ये जो हमारा साइको जिन विद्यार्थियों का होगा लेवल 6 का और लेवल 4 का, ये सिर्फ साइको है लेवल 6 और लेवल 4 के लिए, लेवल 5, 3 और 2 के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी जो हम इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं किन पोस्ट के लिए टाइपिंग है, किन पोस्ट के लिए साइको है, सारा डिटेल हम वहाँ पे आपको दे चुके हैं। तो वो विद्यार्थी जो हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हम पूरा फुल डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। चैनल पर नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।